हालचाल है, मुझे बढ़िया हो गए। वैसे आप सभी का स्वागत है हमारे इस ब्लॉग चैनल पे। आज ये हमारा फिफ्थ डे है, पांचवा दिन है दुबई में। और इधर जो हम रह रहे हैं ये है अलरिका स्ट्रीट। अलरिका मतलब एरिया में रह रहा हूँ। ये जो जो रूम हमने लिया है ये है अरावी होटल। हाँ, तो मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ, एक इंटरेस्टिंग चीज। अगर हमें इसे खोलने हैं और फिर इसे अगर मुझे खोलना है तो बस मैं रिमोट दबाऊंगा और ये ऊपर जाएगा। तो मतलब ये बहुत ही ज्यादा, मतलब कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन हाँ मतलब मस्त है यार, सुपर है। जितना प्राइस में हमने इस रूम को लिया ना वो सही है। मतलब सोच लो कि 800-700 रुपए पर पर्सन, मतलब आप 1400-1500 में आप जो है ये मतलब बुक कर सकते हैं रूम। तो ये अरावी होटल का था। और आज जो हम रहने जाएंगे एक महंगे होटल में, वो शाम को चेक इन है। और ये चेक इन टाइम है 2 बजे और चेकआउट टाइम 12 बजे दोपहर के। तो बेड वगैरह आप देख सकते हैं, बेड वगैरह काफी अच्छे हैं। ये देखिए बेड, और मतलब ठीक है। इसके पहले जो होटल में रहा था वो भी काफी सही था। हमारा पैकिंग वगैरह हो गया, देख सकते हैं पैकिंग हो गया। और अब इधर देखेंगे तो ये कुछ डोर वगैरह लॉकर वगैरह दिए हुए हैं। इधर फ्रिज भी दिया गया है, अच्छा फ्रिज भी दिया गया है। और इधर ग्लास वगैरह दिया हुआ है। और ये हमारा बाथरूम जो कि सही है, ठीक है। और अब जो बात आ गई कि हमें फटाक से ना अब निकलना चाहिए अपने बुर्ज अल अरब के एरिया की ओर, क्योंकि हमें वहीं जाना था बुर्ज अल अरब। तो बुर्ज अल अरब और पाम जुमेरा वगैरह जाने हैं। और सब दिन तो मजा आया यार, डिजर्ट सफारी का मैंने वीडियो बनाया। अगर आपने उसे नहीं देखा तो आप उसे भी देख लीजिएगा, डिजर्ट सफारी और बुर्ज खलीफा का वगैरह, ये सब वीडियो जो बना हुआ है डिटेल में। ऑटोमेटिक लग गया यार। खैर, हमने इस होटल से चेकआउट कर लिया, अरावी होटल से। अच्छा ये ना यार कैमरा की क्वालिटी ठीक है क्वालिटी। तो अब जो है चलते हैं, हाँ सामान को लॉकर रूम में रख के ना चलेंगे बुर्ज अल अरब की ओर। लिफ्ट क्यों भाई, क्यों बेकार करते हो? अरे वो सेंसर है ना, सेंसर है तो डालो सेंसर, हाथ डालो। सेंसर नहीं है, है सेंसर। ये आया क्या, 7 पे है ये, 8 है, 8 है या 3 है, ये देखो क्या लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है भाई, 7 है या 8 है? अच्छा बी लिखा हुआ है, ये डाउन जा रहा है। अरे यार मास्क तो मैंने लगाया ही नहीं। अभी हम बाहर आ चुके हैं और यहाँ पे कुछ बाइक साइकिल वगैरह टाइप का, बाइक साइकिल वगैरह लगी हुई है। और अभी जो पहले खाना खाएंगे उसके बाद बुर्ज अल अरब होटल जाएंगे। ये हम स्ट्रीट पे हैं अभी, मैं और आयुष्मान क्रॉस करेंगे पहले भाई गाड़ी। हाँ तो मतलब यहाँ से अब निकलते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी सही व्यू है। इधर भी काफ़ी व्यू है सर, हमें इधर नहीं आने थे ना, अच्छा यहाँ से उधर जाने हैं, हमें उधर ही जाना है वहाँ पे। भाई यार बस खाना खाने जा ही रहे थे कि हमें यार देखो रोड पे ही पोर्श करी मिल गई, और काफ़ी सेक्सी कार है, थोड़ा दिखाते हैं। ओहो ऑसम ऑसम। अभी हम मेट्रो पे उतरे हैं मॉल ऑफ एमिरेट्स, और यहाँ से काफ़ी अच्छे व्यू आ रहे हैं। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ से मुझे बुर्ज अल अरब जाने हैं, पहले व्यू दिखा दें आपको। मेट्रो इधर से हम आ रहे हैं, हमें इधर जाना है एग्ज़िट लेके, और यहाँ से व्यू
वापस से हम मेट्रो पर से उतरे और यहाँ पे बस वगैरह खड़ी हुई है और मेट्रो स्टेशन उधर है। इधर से हम इधर से आके उतरे। अभी जो हमें बुर्ज अल अरब जाने हैं, यहाँ से दिख भी रहा है। मैं देखिए, मेरा फ्रेंड वहाँ पे गया, मैं भी जाता हूँ आगे। और फिर 81 ये दिखा रहा है, 81। हाँ, 12:20 पे आ रहा है, 12:20 पे। अभी हमारे पास मतलब 11:55 ही हुआ, 25 मिनट बाद, तो हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे बता हुआ है, लिखा हुआ है दुबई मॉल। क्यों लिखा हुआ है दुबई मॉल में है अभी? हाँ भाई, बस तो आ गई, ये देख सकते हो बस यहाँ पर। हम यहाँ पे बैठे, हमने इसे स्वाइप किया, ये हमारा मेट्रो वाला ही है, बस भी फ्री रहेगा पूरा दिन के लिए। और वहाँ पे जो है बस की डिटेल दी हुई है, ये कहाँ से कौन से स्टेप में रुकना है। प्लीज टेक कार्ड भी है। अभी जो हम बुर्ज अल अरब के पास पहुँच चुके हैं, हवाएं वगैरह बहुत अच्छी चल रही है, ज़्यादा गर्मी नहीं है, ये अप्रैल का मंथ है फिर भी। और यहाँ पर से हमें ये दिख रहा है बुर्ज अल अरब। अभी तक मैं बुर्ज अल अरब तक नहीं पहुँचा, वो बीच वाले एरिया से एरिया में। तो खैर, यहाँ पे जो हमने देखा यार, वो सजावटें, ये जो पेड़ पौधे को हर टाइम जो काटा जाता होगा, सोचो यार कितनी मेहनत यहाँ पर की गई है। और हर दिन कैमरे से एक बार वाइड एंगल, ओ मस्त है यार, मस्त है, क्या मस्त व्यू है, सॉलिड यार। अभी हम जो है ना बुर्ज अल अरब के जो बीच है उस एरिया में पहुंच चुके हैं। अच्छा, मेट्रो स्टेशन से 1.5 किलोमीटर चलने के बाद यार ये लाइट ऐसा दिख रहा है ना, मतलब बीच का ये वाटर का लाइट, वो मुझे ये फील हो रहा है कि जैसे कि ये जो लाइट है ना यार, क्या पागल बन रहे हो, सेम ऑन यू यार, सेम ऑन यू। और ये लाइट यार ऐसा लग रहा है कि यार पानी में ना वो पूरे तरीके से ना वो है, जैसे कि नीचे लाइट लगा दिया बल्ब, जो कि इतना ब्लू ब्लू दिख रहा है यार, पूरा ब्राइट है यार दुबई का बीच, वाओ। जैसा बैंकॉक थाईलैंड में मजा आ जाता है, आई थिंक वहां ये देखने में तो उतना ही वैसा ही लग रहा है। सो और बताओ, नहाने के लिए नहीं, तुम नहीं नहा सकते हो, वहां पे बहुत सारे लोग हैं यार बीच में। तो यार अभी मतलब आए थे बीच पे, हम थोड़ी देर बैठे और हमारे साथ ये भाई भी मिल गए चंडीगढ़ से। आपका नाम? मेरा नाम गुरदीप सिंह। गुरदीप सिंह, पंजाब, जलंधर, पंजाब के वही। और काफी सारे लोग यहाँ पे हैं और सब तो मजे ही कर रहे हैं, इसलिए हम भी थोड़े मजे मजबूत करेंगे। आयुष्मान भाई थोड़ा अंदर गए हैं और बैक कैमरा हम स्विच करते हैं यार। और ये देखो सबसे मतलब मस्त बात, वो उधर बुर्ज अल अरब हमें वहाँ पे दिखाई दे रहा है, वो विंड बहुत ही ज़्यादा है, मतलब हवा तेज चल रही है, हवाएं वगैरह दिखाते हैं। हम भी जाएंगे चिल करेंगे और गुरदीप भाई थोड़ा अंदर गए थे, आए थोड़ी देर में फिर से चलेंगे साथ में, क्यों या और बस अब चलते हैं थोड़े कदम को बचा के। और ब्लू ब्लू वाटर, अच्छे नज़ारे। और यहाँ पे सभी फोटो शूट स्टोरी अपने इंस्टाग्राम, जो मनुष्य का आजकल के मनुष्य का सबका है सीन की स्टोरी रहने चाहिए, फोटो रहने चाहिए, तो हमने भी लगाया और बनाएंगे हम थोड़े और भी। और वो कैसा मजा आ रहा है भाई, सही है ना? यो मैन। और आयुष्मान भाई कैसा मजा आ रहा है, बढ़िया ना?
यार हमने इस बीच पे काफ़ी मज़े लिए, काफ़ी मज़ा आया और हमने नहाया भी, हम तीनों ने नहाया। हम तो आए थे यहाँ पे 1 घंटे के लिए, लेकिन भाई के साथ हम तो बहुत देर रुक गए। ये गुरदीप भाई मिल गए थे और से ये बुर्ज अल अरब, ये बीच व्यू काफ़ी शानदार था, ऑसम लगा, मज़ा आया यहाँ पे। और इधर आप देखोगे तो बुर्ज खलीफा भी वहीं है, बुर्ज खलीफा भी दिख रहा है, हमें उसी के पास अब जाने हैं क्योंकि हमारा होटल भी जो है वहीं है। तो और गुरदीप भाई बताओ तब कैसा लगा? सब ठीक है, बहुत मजे मिलके बहुत अच्छा लगा। आप बहुत गुड पर्सन है। तो फिर चलेंगे अभी साथ, चलेंगे साथ अभी, तो हम तीनों साथ ही जाएंगे मेट्रो से। इसको भी पता नहीं आपका एरिया इंटरनेशनल सिटी में, इंटरनेशनल सिटी पता नहीं, वहाँ से वो मेट्रो जाके पता चलेगा अलरिगा वे में है या दूसरे वे में है। हाँ देखते हैं। बीच से चलने के बाद हम थोड़े आगे आ गए, बस स्टैंड वगैरह यहीं पे है, बस स्टैंड यही है। अभी यार बस स्टैंड में वेट कर रहे हैं, बस स्टैंड में एसी लगा हुआ है, पूरा मजा ही आ गया, पूरा वो हमें बाहर देख सकते हैं अच्छे तरीके से। और यहाँ पे भाई भी हैं, बहुत कूल है, हाँ पूरा ठंडा है। और यहाँ पे कोविड का दिया गया है, आप एक सीट छोड़ के आप बैठ सकते हो, सही है। अब हमें 81 नंबर बस का इंतजार है। हमने बस लिया था फिर बुर्ज अल अरब से बस लिया, तो हम मॉल ऑफ इमरेट्स आ गए, उसके बाद अभी हम आ गए मेट्रो। और अभी ये मॉल ऑफ इमरेट्स से ही मेट्रो जो है हमें अलरिका जाना है, हमें अलरिका जाना है। और आपको राशिदिया से इंटरनेशनल, अच्छा इंटरनेशनल सिटी, तो मेट्रो एक्सचेंज करके भी शायद इसको जाना पड़ सकता है मे बी, बस देखते हैं। और यहाँ से हम मेट्रो देख सकते हैं। अभी हम जो मॉल ऑफ इमरेट्स यहाँ पे हैं, हमें जाना है अलरिगा, हमें 17 नंबर पे जाने हैं। और ये 17 नंबर और ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 से जाएगा, प्लेटफॉर्म नंबर 2 उधर है और ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 इधर है। तो हम जो है रेड वाले लाइन पे जाएंगे, अगर मेरा 26 रहता तो मैं 26 जाता, लेकिन मेरा तो 17 है अलरिगा। सो प्लेटफॉर्म नंबर 1 और ये हमारा वे है। कैन यू गिव अ साइड? ये हम आ गए मेट्रो स्टेशन। الابواب تغلق. Doors closing. The next station is World Trade Center.